हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर ललित कुमार गंगेले वेलकम्स यू ऑल टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट कंट्रोवर्शियल एंड इज नॉट गोइंग टू एडमिटेड बाय मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स राइट नाउ हु आर प्रैक्टिसिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज। व्हाई? बिकॉज दिस वीडियो इज अबाउट द करेक्ट वे ऑफ डिस्पेंसिंग द होम्योपैथिक मेडिकेशन। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ऑल द व्यूअर्स, this video is going to be in the both language. I will going to use in the same video the English and the Hindi simultaneously, so that the video will be the understandable by many viewers at the same time. Okay, तो आज का जो टॉपिक है वो है कि करेक्ट वे क्या है होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का। हम वो कौन सा तरीका आजमा सकते हैं जिससे कि जो कि एक करेक्ट तरीका हो, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ड्यूरिंग अवर प्रैक्टिस वी मीट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स विच आर प्रिस्क्राइबिंग द होम्योपैथिक मेडिसिन इन द डिफरेंट वे। समबडी लाइक मी प्रिस्क्राइबिंग दीज मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल ड्राई फॉर्म। आई प्रिस्क्राइब माई पेशेंट द मेडिसिन इन दिस फॉर्म। आई प्री प्रिपेयर द मेडिसिन। ईच ऑफ माई दीज मेडिसिन एंड डायल्यूशन आर इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड आई प्रिस्क्राइब देम दीज मेडिसिन। जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मेरी पूरी इन्वेंट्री, जो मेरे जितने भी डायल्यूशन हैं, वो सारे के सारे मेरे पास एक इस फॉर्म में इधर हैं और मैं पेशेंट को यही देता हूँ। मैं जो है वो फॉइल को यहाँ से अपने ड्रॉस से निकालता हूँ और मैं इस फॉइल को इस प्री प्रिपेयर्ड मेडिसिन विच इज़ इन द ड्राई फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स, मैं इसमें प्रिपेयर करके रखता हूँ और मैं पेशेंट को यही डिस्पेंस करता हूँ। एट द सेम टाइम सम डॉक्टर प्रिस्क्राइब देम और डिस्पेंस देम द मेडिसिन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूशन। वो कहते हैं कि आप इसको जो है दो दो बूंद या तो अपनी ज़बान पर डाल लीजिएगा, या फिर आप इसको दो दो बूंद आधे कप पानी के अंदर दिन में दो बार या तीन बार लेना है। तो क्या मेरा तरीका सही है या वो तरीका सही है? कुछ प्रैक्टिशनर जो हैं अपने पास प्री फिल्ड फॉइल के अंदर ग्लोब्यूल्स को भर के रखते हैं एंड व्हेनेवर द पेशेंट केम टू देम, दे टुक द डाइल्यूशन फ्रॉम देयर इन्वेंट्री एंड दे पुट दैट डाइल्यूशन इन सम ड्रॉप फॉर्म इन दैट फॉइल एंड दे डिस्पेंस दैट मेडिसिन टू देयर पेशेंट। ओके, तो विद द डाइवर्सिटी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर इन नाउ डेज वी आर सीइंग दैट द मैनी डिफरेंट डॉक्टर्स आर डिस्पेंसिंग द मेडिसिन इन द डिफरेंट फॉर्म टू देयर पेशेंट। एंड टुडेज वीडियो इज रिगार्डिंग दैट कि विच वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट इज द करेक्ट एंड द क्लासिकल वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन। ओके, सो We are just simply going to Google all these data. Okay, हम सिर्फ Google करेंगे इसको। और यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा सारे प्रैक्टिशनर्स को और सारे दर्शकों को भी, क्योंकि आप जब मेडिसिन एक डॉक्टर के कहने पे ले रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये डॉक्टर हमको जो डिस्पेंसिंग का तरीका, ये सही डिस्पेंसिंग के तरीके को यूज़ कर रहे हैं या ये सही डिस्पेंसिंग के तरीके को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो होम्योपैथी इज अ साइंस। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल गोइंग टू गिव द ऑल द आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ माई टेक्निक ऑफ डिस्पेंसिंग द मेडिसिन। ओके, वॉट इज होम्योपैथी? होम्योपैथी इज अ साइंस। ओके, हाउ द साइंस वर्क्स? साइंस वर्क्स ऑन सम प्रिंसिपल्स, साइंस वर्क्स ऑन सम रूल्स। ओके, एंड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ साइंस इज दैट कि इफ़ यू वॉयलेट एनी ऑफ दोज प्रिंसिपल देन द साइंस विल नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल, एंड दैट करेक्ट थिंग इज हैपनिंग इन दिस फील्ड ऑल्सो। मेरे कई जूनियर मेरे पास आते हैं, वो स्टूडेंट जिनको मैंने कभी प्रैक्टिस सिखाई थी, वो कहते हैं सर हम सब कुछ वही करते हैं जो आप बोल रहे हो, जो आपने हमको सिखाया हम वही चीज़ करते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ आर यू डिस्पेंसिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट? तो समबडी इज सेइंग दैट आई एम गिविंग इन द फॉर्म ऑफ प्योर डाइल्यूशन इन सम ड्रॉप डोज फॉर द TDS और BD प्रोसीजर। कोई बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल गोलियां भर के रखता हूँ फाइल के अंदर और जब पेशेंट आता है तो मैं उसको डायरेक्ट डाल करके देता हूँ। कई लोग ये बोलते हैं, तो लोग अलग अलग तरह की प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं। और अगर दिक्कत ये है कि अगर आपने सही वे ऑफ डिस्पेंसिंग को नहीं अपनाया तो आपका प्रिस्क्रिप्शन कितना ही अच्छा हो, आपकी केस टेकिंग कितनी अच्छी हो, आपका
कितना ही आप प्रकांड पंडित हो मटेरिया मेडिका या रिपर्ट्री के, बट द अनलेस अंटिल यू प्रिस्क्राइब देम द मेडिसिन इन द करेक्ट वे ऑफ डिस्पेंसिंग, तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और कहीं ना कहीं होम्योपैथी का थर्ड वर्ल्ड पैथी होने का कारण भी यही है कि यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स को नॉलेज तो है कि हमको क्या देना है और कब देना है, पर उनको ये नहीं पता या फिर वो समझना नहीं चाहते कि ये क्यों देना है। तो द टू बेसिक लॉ हियर विच आर रिटन इन द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, एंड आई एम मैं उसी का हवाला दे के ये प्रूव करूँगा कि आप में से ज़्यादातर जो तरीका अपनाते हैं दवा देने का, वो तरीका आप लोगों का सही नहीं है। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, दिस वन द लॉ ऑफ सिंप्लेक्स इन द होम्योपैथी, एंड द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ मिनिमम इन द होम्योपैथी और लॉ ऑफ द मिनिमम डोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लॉ, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। वॉट इज लॉ ऑफ सिंप्लेक्स? तो लेट्स ओपन दिस साइट इन द लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। इन होम्योपैथी I am going to read this point for all of you. Law of simplex. In homeopathy, a patient is administered only one remedy at a time. Okay? Listen it carefully. One remedy at a time. Every substance acts on the human body in its unique way. And it loses its distinct and unique property when it is mixed with the other substance, and the mixture acquires new property which is entirely different from the individual property. यहाँ पे हम chemistry की बात कर रहे हैं भाई, हमेशा दो element को मिला लोगे तो compound बन जाएगा, A plus B is always equal to C. तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो मेडिसिन है दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड वन रेमेडी वन मेडिसिन एट द टाइम। और हमारे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट आते हैं कई होम्योपैथिक डॉक्टर से निराश होने के बाद, और जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको वो डॉक्टर साहब कैसे दवा देते थे, अरे उनने तो एक डिब्बी ली जिसके अंदर गोलियां भरी थी और उस एक डिब्बी के अंदर ही उनने चार दवाएं डाली। कहीं इतने महान डॉक्टर आज की तारीख में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो एक 15 ml की ड्रॉपर वाली बॉटल लेते हैं एंड दे पुट एटलीस्ट 10 मेडिसिन इन दैट, दे मिक्स द मदर टिंचर विद द डाइल्यूशन एंड दे प्रिस्क्राइब देयर पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन इन द 10 drops, 20 drops पर डे। ओके, सो दैट इज द अगेंस्ट द लॉ। यू हैव टू प्रिस्क्राइब वन सिंगल रेमेडी एट अ टाइम। इफ यू आर डूइंग द मल्टी प्रैक्टिस देन डू नॉट मिक्स दोज मेडिसिन इन द सिंगल फॉइल, गिव दोज 3 medicine और 2 medicine सेपरेटली टू द पेशेंट इन द सेपरेट बॉटल्स एंड दे शुड टेक इट एंटायरली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो आई एम वंस अगेन रीडिंग दिस लॉ ऑफ सिंप्लेक्स टू यू। In homeopathy, a patient is administered only one remedy at a time. Every substance acts on the human body in its unique way, and it loses its distinct and unique property when it is mixed with the other substance, and the mixture acquires a new property which is entirely different from the individual property. In homeopathy, every medicine is put through the study and test and is used in the unadulterated form. Okay, अब this is next is the law of minimum dose, but here the next point is the law of minimum dose. This law is based on the observation by Dr. Samuel Hahnemann and his followers on the dose of the medicine to be administered to the patient. They found that the administering the similar indicated drug in the big dose leads to the severe and prolonged reaction on the human body before the process of the cure begins. So in homeopathy, the medicine are administered in the sub-physiological dose. And my question here is ki how we are going to achieve this sub-physiological dose, because we achieve this target by administering the medicine in the globules. Are you getting my point? By administration of the medicines in the form of globule, we achieve our target of law of minimum dose. Because one thing which was told to me by my Guruji, who taught me the homeopathy, that this is the bottle of the 60 ml and
35 drop of any dilution is sufficient to prepare this one bottle. एंड लोग डॉक्टर क्या करते हैं आज की तारीख में कि वो इतनी सी शीशी लेते हैं भरी भराई ग्लोब्यूल से और इसके अंदर डाल देते हैं 10 से 15 बूंद ऑफ डाइल्यूशन, और यहीं पे वो एक लॉ को उल्लंघन कर देते हैं विच इज द लॉ ऑफ मिनिमम डोज। क्योंकि अब 10 से 15 बूंद आपने दे दिया पेशेंट को, तो इनिशियली अगर ये 15 दिन की दवा है तो 7 से 8 दिन पेशेंट तो मटेरियल डोज ले रहा है। बट वाई? क्योंकि इसके अंदर वो लिक्विड महसूस कर पाता है, 4 से 5 दिन तक वो लिक्विड इसके अंदर रहेगा इन द फॉर। तो वो क्या है, बेसिकली उसका ओरिजिनल मेडिकेशन 8वें दिन से चालू होता है। जब वो बार बार ये ढक्कन खोलता है उसकी मेडिसिन उड़ जाती है, देन आफ्टर लॉ ऑफ होम्योपैथी में मिनिमम डोज का लॉ उसके अंदर 7वें दिन से लागू होता है इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग एट द फर्स्ट वेरी फर्स्ट डे। ओके, तो ये दो लॉ हैं जिनको मैं बताना चाहता था कि जनरली मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स आर वायलेटिंग दीज टू लॉ। सो लेट्स हैव द डिटेल स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ मिनिमम। हाँ, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, हियर यू कैन सी दैट हियर इज द रिटर्न लॉ ऑफ मिनिमम डोज। द नोशन दैट द लोअर द डोज ऑफ द मेडिकेशन द ग्रेटर इट्स इफेक्टिवनेस। टू मेक द होम्योपैथिक मेडिकेशन मोर इफेक्टिव वी हैड टू एडमिनिस्टर इट इन द फॉर्म ऑफ वेरी मिनिमम एंड लोअर डोज। ओके, मैनी होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स आर सो डाइल्यूट दैट नो मॉलिक्यूल ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स इन द मेडिसिन। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम बिकॉज दीज आर नॉट द मटेरियल मेडिसिन, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग विच आई एम टेलिंग यू। What is allopathy? In allopathy, they prescribe the crude materials in the crude form which works on the body. Okay, if they prescribe paracetamol, so that paracetamol is in the form of crude form, and when the patient takes it, it works somewhere else or somewhere on the material body, on this body. स्थूल शरीर पे काम करता है, बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। इन द होम्योपैथी द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन इज अ वेरी स्पिरिचुअल एंड डिवाइन प्रोसेस इन विच वी टेक द वन पार्ट ऑफ द प्रीवियस मेडिसिन एंड व्हेन वी डाइल्यूट इट विद द 99 पार्ट्स ऑफ द अल्कोहल इट डाइल्यूट्स द मेडिकेशन मटेरियली और ऑन द मटेरियल प्लेन बाय द 99 पार्ट्स, बट its medicinal and spiritual properties keeps on growing with each and every step of potentization. Okay, if we talk about the 50 millisimal potency, then each and every doctor among you know what is 50 millisimal. So why the 50 millisimal potency is very effective? Because in that the potentization is done for the n number of times, and with each succeeding potentization the medicinal and spiritual property of the medicine got increased, and that is why the 50 millisimal potency has such a increased power in it. Okay, so ek din kisi doctor ko ye khayal aaya, kam literate doctor jo kam padhe likhe the, mere ko koi bura nahi lag raha hai kehne mein कि भाई अगर इफ द सम पिल्स ऑफ एनी मेडिसिंस आर सो इफेक्टिव, देन व्हाई डोंट वी डिस्पेंस द मेडिसिन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूशन टू द पेशेंट, बिकॉज इन द पिल्स फॉर्म दे आर सो इफेक्टिव। तो कितना ही अच्छा होगा कि अगर उनको हम डायरेक्ट डाइल्यूशन पिला दें। ओके, तो ये जो विचार है ये बहुत पहले, क्योंकि देखिए हम में से हर कोई उतना लर्नेट नहीं है। होम्योपैथी के अंदर हर क्लास के स्टूडेंट, हर क्लास के डॉक्टर हैं। इसके अंदर बहुत हाई क्लास डॉक्टर भी हैं जो आज भी जॉर्ज विथोल्कस के बनाए थ्योरम्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके अंदर ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, दे डू नॉट नो द ईच एंड एवरी मतलब थ्योरम ऑफ द होम्योपैथी। तो ये जो तरीका है कहीं से वहीं से ही पैदा हुआ था, ठीक है, कि भाई हम इसको डाइल्यूशन दे देंगे। तो ये देखिए, आप बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप ड्राई होम्योपैथिक प्रैक्टिस, ड्राई फॉर्म में मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स दे रहे हैं, और या फिर मेरे जो दर्शक जो कि ये दवाएं लेते हैं, तो ही आप सही दवाएं ले रहे हैं सही डॉक्टर के द्वारा। और अगर डॉक्टर ये दे रहे हैं तभी आप ये समझिए कि अगर आप ड्राई फॉर्म में होम्योपैथिक दवाएँ दे रहे हैं
तो ही आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना डिस्पेंसिंग के तरीके के बारे में चिंतन करिए और उसको बदलने की कोशिश करिए। क्योंकि आप कितना ही अच्छा केस टेकिंग कर लें, कितना ही अच्छा आप रिपर्टरी का नॉलेज रखते हो, कितना ही अच्छा मटेरिया मेडिका का नॉलेज रखते हो, पर अल्टीमेटली काम दवा को ही करना है, और वो काम सिर्फ तब करेगी जब आप सही तरीके से आप दवा को देंगे, आप सही तरीके से उसको डिस्पेंस करेंगे। और ये जो दो लॉ बताए हैं ये मैंने अपने घर में नहीं बनाए हैं, ये दोनों लॉ जो हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में बताए गए हैं कि हमको सिंपलर फॉर्म में मेडिसिन देना है, विच इज़ लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। और वो सिंपलर फॉर्म में तब हो सकती है जब हम एक बार में एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। जो मेरे भाई लोग अल्टीमेट जो मल्टी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ये नहीं करना है कि उनने एक फॉइल में चार दवाएं डाल के एक पेशेंट को पकड़ा दी। नहीं, अगर आप तीन दवा, चार दवा, दो दवा से ज़्यादा दवा प्रैक्टिस करते हैं तो प्रिस्क्राइब देम सेपरेटली, जैसे कि मैं करता हूँ, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है लॉ ऑफ मिनिमम, द मेडिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द वेरी इनफाइनाइटिसिमल स्मॉल क्वांटिटी, तभी वो काम करेगी। ओके, क्योंकि ये पोटेंटाइजेशन से बनी दवाएं हैं, इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है, ठीक है, और वो एनर्जी तभी मात्र काम करेगा जब वो सूक्ष्म मात्रा में एडमिनिस्टर होगा। अगर आप डाइल्यूशन को दो बूंद जबान पे दे रहे हो या 10 बूंद पानी में दे रहे हो तो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। ओके, और अगर किसी भी प्रैक्टिशनर की ये दुविधा है कि इंस्पाइट ऑफ हैविंग वेरी गुड नॉलेज ही इज़ नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, देन यू शुड कंसीडर द वे इन विच यू आर डिस्पेंसिंग द मेडिसिन। मे बी आप वहाँ पे कोई गलती कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट नॉट यू आर नॉट गेटिंग द वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई एम होपिंग कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी, और मेरे जो दर्शक गण हैं वो भी अपना इस बात का ध्यान रखें कि उनको जो मेडिसिन उनके होम्योपैथिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आर दे प्रिस्क्राइबिंग दैट मेडिसिन इन द करेक्ट वे टू यू। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू, एंड दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। बाय।